ठीक है ठीक है, चलिए आप होस्ट बन गए हो, आप कर लो अभी। अगर स्टैंडिंग वेव साउंड पे बनानी है, देखो मैंने ऑलरेडी आपको साउंड की वेलोसिटी बता दी थी कि साउंड की वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक हो गया था। सो स्टैंडिंग वेव्स इन साउंड, अगर साउंड की स्टैंडिंग वेव बनानी है तो उसके लिए आपको एक अपरेटस यूज करना पड़ता है, इसको बोलते हैं ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप क्या होता है कि आप ऐसे सोच लो कि एक सिंपल एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। आपने देखी भी होगी जैसे गांव में एक बांसुरी, देखो बांसुरी, बांसुरी इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन पाइप, बल्कि बांसुरी भी हो सकती है, या आपने देखा होगा गांव में फूकनी यूज करते हैं चूल्हे में, चूल्हे की आग को जब बढ़ाना होता है तो उसमें फूकनी यूज करते हैं। तो जो फूकनी होती है वो एक यस ऑर्गन, ओके, वो ऑर्गन पाइप है। अब बेसिकली दो टाइप के ऑर्गन पाइप होते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे सोचो कि ये जो ऑर्गन पाइप है सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो एक तरफ से बंद रहती है और दूसरी तरफ से ओपन रहती है, तो उसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते हैं। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज अ पाइप, इट इज अ पाइप विच इज ओपन फ्रॉम वन एंड एंड क्लोज एट द अदर। वैसे अगर आप देखोगे तो रियल लाइफ में इस पाइप का जनरली कोई यूज नहीं होता, फिजिक्स के एप्लीकेशन से भी देखें तो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, बट हाँ इससे आप स्टैंडिंग वेव बना सकते हो। दूसरा, ये है एक्चुअल में, इसे बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप एक ऐसा पाइप है विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड, इट इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड। तो इन दोनों में आप जो है स्टैंडिंग वेव्स बना सकते हो, साउंड की स्टैंडिंग वेव बना सकते हो, बट इसके अलावा आपको एक और चीज की जरूरत होगी, इसे बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। सुना है कभी नाम ट्यूनिंग फोर्क का? हाँ सर, यस सर, यस, ट्यूनिंग फॉर्क कुछ एक ऐसा होता तारा है बोलते हैं ना सर, एक तारा सर, क्या? इसे हिंदी में एक तारा बोलते हैं ना। हिंदी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जब मैं फिजिक्स लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट लिया करते थे तो इसे ट्यूनिंग फॉर्क बोला करते थे। ट्यूनिंग फॉर्क इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्यूनिंग करने के काम आता है। जैसे गिटारिस्ट होते हैं ना, गिटारिस्ट को अगर गिटार ट्यून करना होता है तो वो ट्यूनिंग फोर्क का यूज करता है, इसलिए इसे ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं, ट्यून्ड करना। तो होता क्या है, ये स्टील का बना होता है, इसके ऊपर अगर आप हथौड़े से मारोगे इसकी जो ये फोक्स है, जो डंडियां हैं, ये स्टील की बनी होती है,
तो होगा क्या, अगर आप इसे स्ट्रक करोगे हथौड़े से मारोगे तो इसकी जो ये डंडियां हैं जो स्टील की बनी हुई है, ये ऑसिलेट करती हैं सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ। अब ट्यूनिंग फॉर्क की खास बात ये रहती है कि इसके ऊपर ना इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा होगा 312 हर्ट्ज, तो होगा क्या कि जैसे ही आप इसे स्ट्रक करोगे तो इसका जो ये क्या बोलते हैं फोक्स है, ये एक सेकेंड में, जैसे अगर 312 हर्ट्ज लिखा हुआ है तो एक सेकेंड में 312 बार ऑसिलेट कर जाएगी। आया समझ में? ये फिजिक्स लेबोरेटरी में रखी रहती हैं, आप देख सकते हो जाके, और हर एक के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है। आप इमेजिन करो कि अगर आपको मैं बोलूं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव बनाओ, तो आपको क्या करना है, तो मैं पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ले रहा हूं, आपने ये पाइप ली लेंथ L, इसमें एयर भरी होगी, आप क्या करोगे यहां पे इसके बिल्कुल एक एंड पे ट्यूनिंग फॉर्क दोगे ऐसे। तो होगा क्या, जैसे ही आप इसे स्ट्रक करते हो, ऐसा नहीं कि कोई भी सर आपकी आवाज क्रैक कर रही है सर। ट्यूनिंग फॉर्क नहीं होती, ऐसा नहीं है कि किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क किसी भी फ्रीक्वेंसी पे तो स्टैंड कौन है। ओके, तो जैसे ही आप इस पे स्ट्रक करते हो, सर आपने क्या बोला इतने देर, क्रैक कर रही है, इसका इंतजाम करता हूं थोड़ा ही। सर यस, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है सर? अभी आ रही है। यस सर, क्लियर है, क्लियर है सर। ओके, अब आ रही है सबको? यस सर। ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि आप क्लोज ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव कैसे बनाओगे। तो क्लोज ऑर्गन पाइप, आप एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लो जिसका एक एंड क्लोज है
और ओपन इंट पे आप क्या लगाओगे, ट्यूनिंग फोर्क लगाओगे। अब जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्रक करते हो, ये पार्टिकल्स हैं एयर के, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे ऐसे, ये ऑसिलेट करेंगे तो फिर इसे ऑसिलेशन देंगे तो साउंड वेव ऐसे जाएंगे आगे की तरफ ऐसे। मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूं लेकिन ऐसे नहीं जाती है, ध्यान देना। पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते हैं, सारे पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन बनाने का तरीका ऐसे ही होगा क्योंकि दिखा ही ऐसे सकता हूं। सर इसमें भी रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल वही जाता है। तो यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफैक्शन आगे की तरफ जाएंगे ऐसे। तो बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ आप कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को कैसे शो करोगे यहाँ पे। आप ये सोचो ये है मीन प्रेशर, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे सोचो ये लाइन जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो कर रही है, जब प्रेशर बढ़ता है, देखो यहां प्रेशर बढ़ रहा है तो ये होता है कंप्रेशन, और जब प्रेशर घटता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है इस रीजन में तो इसे बोलते हैं रेयरफैक्शन। सो स्टैंडिंग वेव ऐसे जाएगी यहां पे ऐसे, क्योंकि ये इन क्लोज्ड है इससे टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी तो यहां पे दो स्टैंड दो वेव्स आ रही हैं, एक तो इंसिडेंट वेव है जो इस तरफ आ रही है और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव है जो टकरा के वापस आ रही है, ये दोनों इंटरफेयर करेंगी और इंटरफेयर करेंगी तो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। तो सबसे पहली स्टैंडिंग वेव, अब मैं फिर वही बोल रहा हूं कि मैं एनालिसिस नहीं करवा रहा हूं क्योंकि एनालिसिस है भी नहीं आपके सिलेबस में, मैथमेटिक्स से नहीं करवाऊंगा, आप खुद बता सकते हो कि पहली वेव कौन सी बनेगी। देखो अब मुझे बताओ यहां जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर सकते हैं क्या? नो सर, नहीं कर सकते। उसका रीजन है यहाँ पे क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है, तो बेचारे ये वाले पार्टिकल आगे ऑसिलेट ही नहीं कर सकते, तो यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नोड, नोड मिलेगा यहाँ पे, हमेशा नोड मिलेगा आपको। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, एंटी नोड। तो अब क्या होगा, सबसे फंडामेंटल जो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी इसमें बनेगी वो कौन सी होगी, ये देखो इसको बनाने का ऐसे ही तरीका है, ठीक है ना, ऐसे ही बनाऊंगा। तो अब ऐसे मत समझना कि पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, नहीं, ये वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा ऑसिलेट कर रहा होगा ऐसे, तो इसको बनाने का तरीका ऐसा है, ठीक है। ये वाला पार्टिकल कम ऑसिलेट कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल और कम ऑसिलेट कर रहा होगा, ये और कम कर रहा होगा, ये बिल्कुल ही नहीं करता है, नोड है ये, ऐसे समझ रहा है। कौन मुझे बताएगा इस वेव की क्योंकि ये फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव है तो इसे बोलेंगे इसकी वेवलेंथ, फंडामेंटल वेवलेंथ क्या होगी बताओ ये। 4L बढ़िया, 4L हो जाएगा। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V/4L V/4L बट एक चीज आपको ध्यान देना है कि V अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, नॉट वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। तो ये मी नॉट ले रहा हूं, इसे लैम्डा नॉट ले रहा हूं, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब ये वेव बन के कब तैयार होती है, तो ये वेव तब बनती है जब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इस फर्स्ट स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करे। ये चीज समझ में आई, जैसे वहां पे बताया था मैंने कि इन स्टैंडिंग वेव, ये स्टैंडिंग वेव कैसे बनती थी,
ये वाली स्टैंडिंग वेव कब बनती थी? जब पार्टिकल को, पार्टिकल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती थी, तभी ये बनती थी। तो यहां पे पार्टिकल्स अगर म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, तो अगर ये बनानी है तो यहां पे पार्टिकल की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी डबल करनी पड़ेगी, तब ये बनेगी। इसमें थ्री टाइम्स करनी पड़ेगी। सेम कॉन्सेप्ट में यहां पे यूज कर रहा हूं। अगर मुझे ये वाली वेव बनानी है, फर्स्ट फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव बनानी है, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करनी चाहिए। सो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क matches with the frequency of first standing wave, the fundamental standing wave. Then this wave will form. ध्यान देना, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क यूज कर लो। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, फिर मैं आगे चलूंगा एग्जांपल के तौर पे। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लिया है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और इसमें जो गैस भरी हुई है या जो एयर भरी हुई है उसमें साउंड 330 मीटर पर सेकंड के साथ दौड़ सकती है, तो बताओ किस फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क यहां पे रखूं कि फर्स्ट स्टैंडिंग वेव बन जाए, फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव बने? कौन बताएगा निकाल के? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर? 8.1। हाँ, तो मैं निकाल सकता हूँ फंडामेंटल क्या होगी, V by 4L, यही होगी ना? Yes sir, 33 by 4. 4 into 10, तो जिसने 8.3 बताया है, वो बिल्कुल सही है। 8.03 है ना? 8 सेंटीमीटर ले लो। 8.03 तो सॉरी 8 hertz, तो यानी कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क यूज करना पड़ेगा वो 8 hertz का ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपने 6 hertz का रखा तो ये वेव नहीं बनेगी। आया समझ में सर? बट ये हमें यहाँ पे वेव जनरेट क्यों करना है ये ऑर्गन पाइप में, इसका यूज होता है क्या सर? कई चीज का फिजिक्स में यूज नहीं होता, रियल लाइफ में यूज नहीं होता। आप बोलोगे कि सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे ही काम करते हैं, बस आपको थोड़ा सा और डीप स्टडी करनी पड़ेगी। मैं आपको क्योंकि साउंड वेव्स पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ स्टैंडिंग वेव है, तो आप बोलोगे सर स्टैंडिंग वेव ठीक है, आपने बता तो दिया कि साउंड वेव्स में भी स्टैंडिंग वेव बनती है, साउंड वेव्स भी स्टैंडिंग वेव बना सकती है, बट ये तो बताओ कि बनाऊं कैसे, प्रैक्टिकली बनाऊं कैसे? तो प्रैक्टिकली ये आया समझ में सर? यस सर, अगर हमने 8 हर्ट्ज की जगह 9 हर्ट्ज किया तो वो इनकम्प्लीट बनेगी ना आगे जाके? वे नहीं बनेगी, बनेगी ही नहीं। अगर आपको बनानी है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे इसी में सेकंड एग्जांपल लूं कि व्हाट हैपन, ऐसे लिखो व्हाट हैज टू बी डन सो दैट इफ
ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ 9 हर्ट्स, 9 मतलब 10 लो, 10 हर्ट्स इज यूज्ड, दिस फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव विल फॉर्म. तो अब एक चीज समझ लो कि जो स्टैंडिंग वेव बनेगी पहली वो 10 हर्ट्ज की ही बनेगी, लेकिन इसमें नहीं बन पाएगी. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इसकी लेंथ बढ़ा लेना. लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी बताएगा कोई? लेंथ बढ़ा सकता हूं कि घटाऊंगा? तो आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप लेंथ को चेंज करो या वेलोसिटी ऑफ साउंड को चेंज कर लो. तो अगर मैं लेंथ को चेंज करूं, यानी कि ये जो ऑर्गन पाइप है इसकी लेंथ को कम या ज्यादा करूं तो शायद बन पाए. तो देखना जरा क्या करूंगा. जो फंडामेंटल है वो 10 हर्ट्ज की ही बनेगी. अब मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड को यूज सेम ही रख रहा हूं, लेंथ को चेंज कर रहा हूं, लेंथ होगी n1. तो अब बहुत सिंपल है, 330/4 L1. तो L1 क्या होगा, आठ मीटर कर दो. आया समझ में? यस सर. 10 मीटर का ऑर्गन पाइप मत लो, 8 मीटर का ले लो, ये बन जाएगी पूरी की पूरी. या वेलोसिटी ऑफ साउंड को चेंज कर लो, वो भी ठीक है. ये फंडामेंटल है, समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं सर? मतलब यस सर. मतलब जो ट्यूनिंग पाइप की है वो उत्ते पे ही करेगी सर? मैंने वही तो बताया कि ये चीज समझ में आई है आपको, जो मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आई है कि स्टैंडिंग वेव बनाने का तरीका क्या होता है? ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये कोई सी भी फ्रीक्वेंसी का आप यूज नहीं कर सकते, आपको उसी फ्रीक्वेंसी का यूज करना पड़ेगा जितनी फर्स्ट फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी आएगी. और फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी कौन फिक्स कर देता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड और लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये फिक्स हो गई है. तो ये भी फिक्स हो गया है. अब अगर आपने इसे चेंज कर दिया तो ये बनेगी नहीं. तो अगर मान लीजिए ये 10 हर्ट्ज कर दिया आपने, 8 हर्ट्ज नहीं रख के 10 हर्ट्ज कर दिया, तो ये नहीं बनेगी. फिर फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव नहीं बन सकती, ये वाली नहीं बनेगी. बनानी है तो क्या करोगे, लेंथ को बढ़ाओ घटाओ. आया समझ में? यस सर. तो अगर आपने लेंथ को, जैसे इस केस में मैं बता रहा हूं, अगर आपने लेंथ को 8 मीटर कर दिया, तो अब 10 हर्ट्ज की, जैसे ही आप 10 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर रखोगे ये बन जाएगी. देखो ऐसे आप बताओ सेकंड कैसे बनाते थे, किसी को याद है क्या करते थे? एक लूप ऐड करते जाते थे, लूप ऐड करते जाओ. अब आप खुद बता सकते हो, कौन मुझे बताएगा कि अगर इसकी लेंथ L है तो हम कैसे निकालते थे, किसी को याद है? ये कितना होगा बताएगा कोई? ये एंटी नोड है, ये नोड हो गया L/3, ये नोड है, फिर ये एंटी नोड होगा L/3, L/3. तो इसकी वेवलेंथ क्या आएगी बताना जरा, इस स्टैंडिंग वेव की. बताएगा कोई? L/3. समझ में आया? अरे आवाज चलेगी क्या मेरी? आ रही है, पहुंच रही है सबको?
बच्चों यस सर आ रही आ रही है ओके तो ये 4L/3 क्यों है इसकी वेवलेंथ समझ में आया स्टैंडिंग वेव की क्योंकि ये L/3 है ये L/3 है L/3 है तो अगर पूरी स्टैंडिंग वेव बनानी है तो इसमें L/3 और ऐड करना पड़ेगा तो 4L/3 हो गया फ्रीक्वेंसी V/4L/3 ये वेवलेंथ है वेलोसिटी ऑफ साउंड को वेवलेंथ से डिवाइड कर दो 3V/4L कितनी है ये 3 टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो बताओ ये वेव कब बनेगी सोचो कितने फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर रखूंगा सर 3×2 टाइम्स द बहुत बढ़िया 3 टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर इसी में जैसे कि एग्जांपल बताया था मैंने इसी में आपको दूसरी वाली बनानी है तो इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स करनी पड़ेगी यानी 30 हर्ट्ज का रखना पड़ेगा तो दूसरी वाली स्टैंडिंग वेव बनेगी फिर आया समझ में यस सर ओके कौन बताएगा ये कौन सी हार्मोनिक से यस सर थर्ड हार्मोनिक बहुत बढ़िया थर्ड हार्मोनिक्स और कौन सा ओवर टोन है फर्स्ट ओवर टोन व्हाई फर्स्ट ओवर टोन सेकंड है सर एक लूप ऐड हुई है इसलिए फर्स्ट ओवर टोन एक लूप कौन मुझे बताएगा ये तो केस मैंने किया हुआ है यस सर किया है पर इसमें नहीं सर एक बार बताइए ना फर्स्ट ओवर टोन कैसे आया देखो फर्स्ट ओवर टोन क्या होता है अब मैं आप बोलोगे कि सर ओवर टोन क्या होता है ओवर टोन ऐसे सोचो कि वैसे तो फिजिक्स में तो ये बताया जाता है कि जैसे जैसे आप एक लूप ऐड करते जाओगे जैसे फंडामेंटल में ये फंडामेंटल है तो फंडामेंटल में जैसे जैसे आप लूप ऐड करते जाते हो जितनी लूप ऐड करते जाओगे उतने ओवरटोन्स होते जाते हैं तो ये फंडामेंटल है इसमें एक लूप ऐड हुई या आप ऐसे सोचो फंडामेंटल में मत सोचो आप सोचो कितनी लूप ऐड हो रही है इसमें एक लूप ऐड हुई ना तो ये फर्स्ट ओवरटोन है आया समझ में यस सर जितनी लूप्स ऐड होती रहती हैं उतने ही ओवरटोन्स होते जाते हैं ये थर्ड हार्मोनिक्स है फर्स्ट ओवरटोन है ध्यान देना अब ये जो केस है ये हमने पढ़ा हुआ है ये कौन सा है देखो अगर मैं बोलूं कि इसको रिजेंबल करो यहां पे तो ये मेरे ख्याल से ये वाला केस है देखो ये देखो दिख रहा है ये यस सर सर एक बार वापस बताए ना कौन सा प्लीज सर ये वाला हाँ सर तो ये तो मैंने बताया था जहां तक मेरे ख्याल है इसमें क्या हुआ करता था जब आप इसे ऑसिलेट करवाते थे इस तरीके से ये तो समझ में आई थी हाँ सर तो इसमें पार्टिकल्स को अगर आप 3 टाइम्स जितना इसमें ऑसिलेट करवा रहे थे जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवा रहे थे V/4L अगर यहां पे आप पार्टिकल को 3 टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाओगे तो ये वाली स्टैंडिंग वेव बनेगी तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी देखो ये एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होगा L/3 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 देखो तो जो वेवलेंथ है इसकी वो क्या होगी 4L/3 ये देखो भैया 4L/3 फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3 टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक्स वाई थर्ड हार्मोनिक्स क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की 3 टाइम्स है इसलिए थर्ड हार्मोनिक्स से और फर्स्ट ओवरटोन है वाई क्योंकि इसमें एक लूप है एड हो चुका है
आया? यस सर। ओके सर। यस सर, यहाँ पे नए नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी नाम। कौन ज्वाइन कर रहा है? चलो फिलहाल आप देखो यार, यहाँ पे मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं क्योंकि मैं सुबह से थका हुआ हूँ। अभी आप देखते रहो बस, ठीक है? आप देखते रहो बस ध्यान से। कौन मुझे बताएगा थर्ड क्या होगी? बताएगा कोई क्या? एक लूप और ऐड हो जाएगी? यस सर, और एक लूप ऐड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे एक लूप और ऐड हो जाएगी सर। 7 सेकंड ओवरटर्न हो जाएगा। हाँ तो अभी देखो कौन कौन बताएगा ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना है, ये कितना है? L by 5। बहुत बढ़िया, L by 5, L by 5, L by 5। मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे बन रही है, बनाने का तरीका क्या है। Yes, sir. 6 L by 5 equals wavelength। ना 6 नहीं, देखो 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 ढंग से देखो, वेव तो यहाँ से यहाँ तक ही है सिर्फ। 4 L by 5। 4 L by 5। 4 L by 5 है, it is not 6 L by 5। 6 तो करोगे तो क्या होगा, ये एक पूरी वेव और आधी वेव बड़ी होगी ना। वेव तो यहाँ तक ही है सिर्फ, वेवलेंथ तो यहाँ तक होगी ना सिर्फ। यस सर, 4 एल बाय 5। फ्रीक्वेंसी वी अपॉन 4 एल बाय 5। 4 एल बाय 5 यानी कि 5 टाइम्स वी बाय 4 एल। 4 एल बाय 5 कौन बताएगा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस सर। कौन सी सर? मतलब उसको इतने झटके देने ऑसिलेशन। हाँ, अब यानी कि अगर ये वेव बनानी है तो झटके नहीं, अब खुद तो पार्टिकल को ऑसिलेट नहीं करवा सकते ना, ट्यूनिंग फॉर के काम करेगा, तो ट्यूनिंग फॉर रखना पड़ेगा 5 टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आया समझ में? हाँ सर, आ रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी होगी? 5th हार्मोनिक्स। 5th हार्मोनिक्स। और कौन सा और टोन है? सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन क्योंकि दो लूप ऐड हुए। अब आप क्या करो, जैसे अब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ नेक्स्ट क्या आएगी? 7 टाइम्स वाला, 7 मी नॉट, तो वो होगी कौन सी? 7th हार्मोनिक्स, 3rd ओवरटोन। तो ऐसे आप कितनी भी स्टैंडिंग वेव बना सकते हो, बस करते आपको ये ट्यूनिंग फॉर चेंज करते रहने होंगे। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है आपके सिलेबस में, क्या बोलते हैं उसे, मैं नाम भी भूल गया हूँ यार, पिछले साल करवाया था मैंने स्कूल में, पर ठीक है चलो। कौन बुझाएगा? nth हार्मोनिक्स और nth ओवरटोन। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सेम है तो आप खुद ही बता सकते हो। nth हार्मोनिक्स की वेवलेंथ होगी क्या थी बताओ? 4 L by N। 4 L by N। बट N कौन से चलेंगे सिर्फ? 1 3 5 odd। odd चलेंगे सर। एंड फ्रीक्वेंसी? N into fundamental frequency। And N into fundamental frequency, but N is 1 3 5 only। 1 3 5 7 odd into this। एंड N आएगा ना? nth ओवरटोन, n की जगह क्या आएगा? 4 l by 2n plus 1। हाँ 2n plus 1, बहुत बढ़िया। nth ओवरटोन, तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं थर्ड ओवरटोन निकालो, तो थर्ड डालोगे तो 4 एल बाय 7 आ जाएगा, ठीक है ना? यस सर। एंड फ्रीक्वेंसी? 2 एन प्लस 1 इनटू वेव, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हां बहुत बढ़िया सर, बस एन के जगह 2 एन प्लस 1।
हाँ 2 NK अगर ओवरटोन पूछे, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप खुद करके बताओगे समझ में आ गया अमेरिकन से आपको। तो आपको बताना है, फाइंड आउट दी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ सेवेंथ ओवरटोन मुन्ना त्रिपाठी। सर जी ऐसा है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। अरे रेस्ट इन पीस होता ही नहीं है यार, हम हिंदू हैं, कौन होता है रेस्ट इन पीस। सर ये वेब सीरीज के डायलॉग लिखने सर ये डायलॉग से सर, टीवी शो के सर। अरे रेस्ट इन पीस अभी नहीं होगा यार। अच्छा मिर्जापुर, अरे मिर्जापुर यार मैंने देखा नहीं, किस में आता है, अमेज़न पे आता है क्या, अमेज़न पे कि? हाँ सर अमेज़न प्राइम पे आता है सर, उसमें का डायलॉग है सर ये। अच्छा रेस्ट इन पीस। और जो सर मुन्ना त्रिपाठी है ना सर, सर उसका कैरेक्टर है सर, हाँ सर कैरेक्टर है सर। और वो कालीन भैया भी सर एक कैरेक्टर है, वो मुन्ना भैया के पापा है सर। आज रेस्ट इन पीस हो जाओ, कल से जिंदा हो जाना। 11th ओवरटोन 11th हार्मोनिक्स, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ 7th ओवरटोन एंड 11th हार्मोनिक्स इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ 1 मीटर लेंथ। वेलोसिटी ऑफ साउंड ले लो, Meter per second. वो तो अच्छा ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अगर ऑफलाइन होती तो तुम्हें तो पागल हो जाते तुम। ऑनलाइन में जो है ना चेहरा नहीं दिखता ना, तो इसलिए क्या होता है कुछ भी कर लेता है स्टूडेंट। चलो भाई बनाओ सर, मारते हो आप? अरे मारता नहीं हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ हालत खराब हो जाती है स्टूडेंट की, इतने न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पागल हो जाता है सर। पर ये है कौन, कुछ भी लिख रहे हैं सर। अभिषेक शेला सर, हम सिंसियर हैं, मैं भी सिंसियर हूँ पता है सर, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं ना। चलो सेवेंथ, पहले 11th हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी बताओ। सर पहले फंडामेंटल फाइंड आउट करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, फंडामेंटल फाइंड आउट कर लो पहले, फंडामेंटल 4 मीटर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कर लो, वेवलेंथ तो आपको पता ही है, अब मैंने फॉर्मूले तो आपको बता ही दिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल वेवलेंथ दोनों फाइंड आउट कर लो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है बताएगा कोई? एट पॉइंट फाइव
नहीं, फ्रीक्वेंसी 340/4 × L, देखो लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, 10 मीटर मत लेना। 85। और फंडामेंटल वेवलेंथ कितनी आ रही है, 4 मीटर आई थिंक। यस सर, 4 मीटर। ओके, तो अब बताओ 11th हार्मोनिक्स क्या होगी? सर 4L/N, मतलब 4L/N, तो n की वैल्यू 11 डाल दो, 4/11। 4/11 ये वेवलेंथ होगी ना? हाँ, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 11 म्यू नॉट, सॉल्व इट। हाउ मच? पहले वेवलेंथ बताओ। क्या वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 4L/2N+1। L is 1, N 7 डाल दो, 4/15। 4/15 मीटर, बहुत बढ़िया। ये वेवलेंथ हो गई, और फ्रीक्वेंसी टू एन प्लस इंटू मी नॉट 23 × 935। नहीं, 1275। ध्यान देना, फिर वही बता रहा हूं मैं, वही चीज बता रहा हूं कि अगर सेवेंथ ओवर टोन मनाना है तो यानी कि यहां पे जो ट्यूनिंग फॉर्क लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, 15 टाइम्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। और एक और चीज, अगर आपसे बोले कि इसमें कौन सी हार्मोनिक्स गायब रहती हैं, तो आप क्या बोलोगे? E1। कौन सी हार्मोनिक्स गायब है? जैसे सेकंड हार्मोनिक्स नहीं आती, फोर्थ हार्मोनिक्स नहीं आएंगी, इवन हार्मोनिक्स गायब रहती हैं इसमें। समझ में आया? इवन हार्मोनिक्स गायब रहती हैं। देयर इज नो वे कि आप इसमें इवन हार्मोनिक्स बना पाओगे, नहीं बनती इसमें। Standing waves in open organ pipe. अब स्टूडेंट का सबसे बड़ी जो सवाल रहता है कि सर इसमें साउंड वेव रिफ्लेक्ट कैसे करेंगी? यहां तो समझ में आता है कि आपने सर यहां पे हैमर से थ्रो किया, हैमर से मारा, ये फॉर्क ऑसिलेट करना स्टार्ट कर रहा है, साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही है, ऐसे आगे की तरफ जा रही है, लेकिन ये इन तो ओपन है तो रिफ्लेक्ट कैसे होती है? तो रिफ्लेक्ट होती है, ध्यान देना, यहां से साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं आपको। होता है क्या है कि जब साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं तो वो किस फॉर्म में करती है? कंप्रेशन रेयरफैक्शन में। तो अब इमेजिन करो कि रेयरफैक्शन आ रहा है यहां पे, ये रेयरफैक्शन है,
यहां पहुंचा, रेयरफेक्शन का मतलब क्या होता है, वैक्यूम, प्रेशर कम है यानी कि वैक्यूम है यहां पे, और बाहर क्या है, बाहर तो नॉर्मल प्रेशर है, प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इमेजिन करो जैसे ये वैक्यूम यहां पहुंचेगा यानी कि रेयर फ्रैक्शन पहुंचेगा और जैसे ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसमें बाहर के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करेंगे। तो जैसे ही बाहर के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि ये वैक्यूम है, बहुत सारे पार्टिकल्स क्या आ गए, बाहर से आ गए, तो यहां से क्या रिफ्लेक्ट होगा, कंप्रेशन रिफ्लेक्ट होगा। ध्यान से समझो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही रेयर फैक्शन पहुंचेगा यहां पे तो क्या होगा, रेयर फैक्शन में मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है, तो जैसे ही ये बाहर निकलने वाला है एकदम नॉर्मल, ये जो बाहर के मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो इसको क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो इसमें सडनली बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या रिफ्लेक्ट होगा, कंप्रेशन रिफ्लेक्ट होगा, ये वापस जाएगा, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन। अगर कंप्रेशन आएगा तो क्या होगा, यहां पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स की संख्या है, बाहर कंपैरेटिवली कम मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही ये बाहर निकलेंगे ये सारे मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में भाग जाएंगे, तो यहां रेयर फैक्शन रिफ्लेक्ट होगा। आया समझ में? यस सर। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि ऑल्दो ये एंड क्लोज्ड नहीं है लेकिन साउंड वेव रिफ्लेक्ट करती है यहां पे। अब थोड़ा सोचो ये एंड, ये क्या होगा, एंटीनोड, एंटीनोड, ये भी एंटीनोड ही होगा। सोचो सबसे पहली वेव कैसी बनेगी, देखो बना के दिखा रहा हूं ढंग से समझना। ऊपर से नीचे आएगी सर, ऑफ कोर्स दो एंटीनोड के बीच में एक नोड आएगा पक्का, ये बनी। अच्छा ये लेंथ कितनी होगी बताएगा कोई, एल बाय टू, L by 2। ओके, कौन मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बता सकता है, इस वेव की स्टैंडिंग वेव की, यही स्टैंडिंग फंडामेंटल है, 2L, 2L, बहुत बढ़िया, ये होगी फंडामेंटल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, V upon 2L, where V is the velocity of sound. कौन सी हार्मोनिक से, क्या बोलेंगे इसे, फर्स्ट हार्मोनिक्स सर? यस सर, में जो बाहर से प्रेशर एंटर होता है तो फिर वहां पे कंप्रेशन होता है ना, जब कंप्रेशन जाएगा बाहर की तरफ, कंप्रेशन निकलेगा, ये कंप्रेशन है, अगर कंप्रेशन बाहर निकलेगा ध्यान देना, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, बाहर नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जैसे ये बाहर निकलेगा ये मॉलिक्यूल कहाँ भाग जाएंगे, बाहर भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है, हमें पता है कि अगर एक जगह प्रेशर कम होता है और दूसरी जगह प्रेशर ज्यादा होता है तो एयर कहाँ ट्रेवल करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये मॉलिक्यूल सडनली बाहर भाग जाएंगे, तो रिफ्लेक्ट क्या होगा, सारे तो मैक्सिमम तो बाहर भाग गए, तो बचा क्या, वैक्यूम क्रिएट हो गया, यानी कि रेयर फ्रैक्शन बाहर निकलेगा, मतलब रेयर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? सर यस, बाहर के मॉलिक्यूल अंदर नहीं आएंगे है जी, फिर वहां पे सर क्या होगा, एंटीनोड होगा या नोड होगा? हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये एंटीनोड है, यहाँ पे एंटीनोड बनेगा,
यहाँ पे एंटी नोड ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स के ऑसिलेशन को देखोगे तो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ऑसिलेशन सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे भी सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ऑसिलेट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ नोड है। देखो मैं ना आपको एक तरह की स्टैंडिंग वेव बना रहा, क्या बोलते हैं, साउंड वेव पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल में साउंड वेव भी तीन टाइप की होती है। एक होती है डिस्प्लेसमेंट साउंडिंग वेव, जब हम डिस्प्लेसमेंट साउंड वेव, जब हम साउंड वेव को पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन थी ये क्या बता रही थी, कोई भी x दूरी पे जो पार्टिकल है, x दूरी पे जो पार्टिकल है वो t इंस्टेंट पे कहां होगा, ये बता रही थी। आ रहा है समझ में? यस सर। तो अगर आप साउंड वेव को पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में पढ़ोगे तो उसे मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट साउंड वेव। लेकिन साउंड वेव को दो तरीके से और पढ़ा जाता है, प्रेशर वेव के फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी वेव के फॉर्म में, तो वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। वहां तक क्या होगा कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना आप फिलहाल इससे ही देखो क्योंकि मोर देन क्वेश्चन इसी में से आते हैं, प्रेशर वेव तक कोई जाता ही नहीं है। यस सर, रीजन नहीं समझ रहे यहाँ पे हमेशा। देखो मैं राइट साइड वाले में पहले, तो चलो आप ऐसे सोचो यहाँ सबसे सही रहेगा, मुझे बताओ ये तो समझ में आया यहाँ पे क्या बन रहा है, एंटी नोड ही बनेगा, एंटी नोड और नोड बनेगा। अब ये चीज समझ में आ रही है कि ये एंड क्या है, ओपन है, ये एंड ओपन है, या एंटी नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा, ये चीज समझ में आई? यस सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये तो बताओ कि जरूरी थोड़ा है कि, आप तो बोल रहे थे कि सर यहां पे वेव, यहां पे तो वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है यहां पे, क्योंकि यहां पे जो एंड है वो क्लोज्ड है, तो यहां पे तो अगर वेव आएगी ऐसे तो रिफ्लेक्ट तो हो जाएगी, वो समझ में आ रहा है। इसमें कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये तो यहां से ओपन है, यहां से भी ओपन है। तो मैं आपको बोल रहा हूं, यही तो मैं रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वेव ऐसे आती है तो वेव किस फॉर्म में आती है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में। यस सर। तो अगर कंप्रेशन आएगा यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल आए तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि यहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, और प्रेशर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, बाहर नॉर्मल प्रेशर है तो ये मॉलिक्यूल बाहर भाग जाते हैं, तो यहां सडनली क्या आ जाता है, रेयरफैक्शन आएगा। यानी कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कंप्रेशन आएगा इस एंड पे तो रिफ्लेक्ट रेयरफैक्शन होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वापस साउंड वेव जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। आया समझ में अब? यस सर। तो अगर वापस रिफ्लेक्ट होगी साउंड वेव, इंसिडेंट वेव तो आ ही रही है, वापस रिफ्लेक्ट भी होगी, यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव अगर सुपर इंपोज करती है तो ये बन जाएगी। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बनाना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, बीच में एक नोड आएगा, बनाते चलो आप। ओके यस सर। ओके तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बनेगी, फर्स्ट हार्मोनिक्स होगी, और क्या होगा, इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, और क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल मोड। सेकंड बताएगा कोई?
एक एक लूप ऐड करते जाओ। यस, कौन बताएगा इसकी फ्रीक्वेंसी? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, L by 2, L by 2, L by 2. सर L by 3, L by 2. नहीं, L by 4. देखो 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 देखो, ढंग से देखो। क्या ये पूरी वेव बन चुकी है? देखो जरा, बन गई है ना। देखो ये, अगर आप पूरी वेव बनाना चाहो, पूरी स्टैंडिंग वेव बनाना चाहो, तो यहां से यहां तक देखो कितना है। L by 4, L by 4, L by 4, 3 L by 4, उसमें L by 4 और ऐड कर दो। कितनी आ रही है वेवलेंथ? 4 times L by 4. Yes, sir. 4 L. ये चीज आई समझ में? Yes, sir. क्या नींद आ रही है? No, sir. चलो, इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, तो ये कितनी हो जाएगी? फंडामेंटल की हाफ। ये देखो, फ्रीक्वेंसी बताएगा कोई? V by L सर। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कितनी आ गई? 2 टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कब जनरेट होगी? 2 एंड 2, जब ट्यूनिंग फॉर्क। ये कब जनरेट हो रही थी? जब यहाँ फंडामेंटल। कितनी फ्रीक्वेंसी का? म्यू नॉट का लगाओगे। ये कब बनेगी? जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क लगाओगे, डबल 2 इनटू म्यू नॉट। कौन सी हार्मोनिक्स है? सेकंड हार्मोनिक्स। सेकेंड हार्मोनिक्स एंड फर्स्ट ओवरटोन। व्हाई फर्स्ट ओवरटोन? देखो इसमें बीच में एक लूप ऐड हो गई। ये देखो, ये लूप ऐड हो गई। अब ऐसे बनाते चलो, ठीक है ना? एक और लूप ऐड करवा देना, बनाते चलना, ठीक है ना? कौन मुझे बताएगा nth हार्मोनिक्स? सर इसका बताओ ना। यस, वेवलेंथ का एक बार। ये वेवलेंथ? हाँ सर, इसका। इसका बताओ। हाँ सर, ये देखो, ये कितनी लेंथ है? वेव यहां से यहां तक जाएगी। देखो ये वेव कंप्लीट हो गई है पूरी, मैंने बनाई है आगे, ठीक है ना? ये एल बाय फोर हो गया, एल बाय फोर, एल बाय फोर, ए बी क्या होगा? एल बाय फोर। कितना हो गया वेवलेंथ? L, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2L, दैट इज फंडामेंटल वेवलेंथ। और 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा नॉट बाय 2। फ्रीक्वेंसी V बाय L, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 times the fundamental frequency. Sir, अगर 2 से multiply और ना divide, तो वो नहीं समझ रहा है। अरे ये देखो, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये दिखाना चाहता हूँ कि ये fundamental frequency का कुछ times है। अगर आप बोलोगे सर V by L लिख दो, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आया समझ में? ये तो दिखाने के लिए है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स दी फंडामेंटल है, इससे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देता हूं, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल मुझे पता है V by 2 L है, इसलिए कर रहा हूं। आया समझ में? यस सर। ओके, कौन बताएगा nth हार्मोनिक्स? nth ओवरटोन,
2L by N वेवलेंथ हो जाएगी सर, हम ये फॉर्मूले से करेंगे तो कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे n जो है 1, 2, 3 सारे चलते हैं, ध्यान देना सब चलेंगे। तो ये कौन सा केस है जरा बताएगा, ये वाला कौन सा केस है? ये फर्स्ट वाला केस है जो स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला केस है एक तरीके से। यस सर। फ्रीक्वेंसी n into v naught ये चलेगा। nth ओवरटोन बताओ जरा, क्या था? n minus one होगा, देखो जरा। अगर मैं nth ओवरटोन है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट सर 2l अपॉन n plus 1, बहुत बढ़िया, प्लस होगा। सर आप एक बार ये फॉर्मूले से वो ऊपर वाला एग्जांपल करके दिखाओ। कर देता हूँ, देखो। अगर मैं आपसे बोलूँ सेकंड हार्मोनिक्स निकालो, तो यहाँ क्या डालोगे? 2। यहाँ क्या डालोगे? 2। हो गया। आया समझ में? यस सर। ये देख फॉर्मूला बना दिया मैंने पूरा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सेकंड हार्मोनिक्स निकालो, सेकंड हार्मोनिक्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालो, सीधा 2 डाल देना, 2 कैंसिल, एल आ गया, देखो। यस सर। ये आ गया, देखो एल आ गया, इसमें 2 डाल देना, वी बाय 2 एल। अगर मैं आपसे बोलूँ सेकंड ओवर टोन निकालो, जैसे फर्स्ट ओवर टोन निकालो, तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे क्या डालोगे? 1 डालोगे, तो 2L by 2, जो फर्स्ट ओवर टोन है वही क्या है सेकंड हार्मोनिक से, तो 2L by 2, 2 कैंसिल, L आ गया। यहाँ क्या डालोगे? 1 डालोगे, तो 1 plus 1, 2 mu naught। ये फॉर्मूले बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल देखो, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ थर्ड ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स। In a open organ pipe of 10 meter length, velocity of sound 340 meter per second linear. Nikalo jaldi. सीधा ये फॉर्मूला यूज करो, सीधा ये वाले हार्मोनिक्स के लिए, ये ले ओवरटोन के लिए। सर इनिशियल फंडामेंटल दो निकालना ही पड़ेगा। फंडामेंटल देखो यहीं पर है ना, सीधा इस वेवलेंथ तो डायरेक्टली निकल जाएगी 2L by N, इसमें डाल दिया ना मैंने V by 2L, देख वेवलेंथ होगी 2L by 5, फ्रीक्वेंसी होगी 5 into V by 2L। So
तो 2 इंटू 10 बाय 5 कितना आ रहा है? 4. ओके 4 मीटर. फ्रीक्वेंसी five into 17, how much? I think 80, 85 hertz. हो गया? Yes sir. ओके थर्ड ओवरटोन की वेवलेंथ बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, फॉर्मूला ये लगाओ सीधा. सर 20/6. ओके तो थर्ड ओवरटोन के लिए एन क्या डालोगे यहाँ पे? 3 डालोगे, ठीक है ना. सो यू विल गेट 12/4. हाँ सर मुझे लगा 3+1 दैट इज 12/4. सर 5 आ रहा है वेवलेंथ. 5 आ जाएगा. 2 into 10/4. फ्रीक्वेंसी थ्री प्लस वन ऑफ वी बाई 12 8. बस हो गया. तरीके से निकालना. तो ये पूरी की पूरी जो स्टैंडिंग वेव्स हैं ये दोनों हो गई हैं, ठीक है ना. इस तरीके से आप स्टैंडिंग वेव साउंड्स की बना सकते हो. आ गया समझ में? सर सेम ही है ना? बिल्कुल सेम है. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वो वाली स्टैंडिंग वेव आ गई है तो ये भी वही है, कुछ है ही नहीं नया. कोई भी एक आपको हर एक हार्मोनिक्स निकालनी आनी चाहिए, हर एक ओवरटोन निकालना आना चाहिए, चाहे क्लोज्ड का हो या ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप का. यस सर. ओके नेक्स्ट टॉपिक देखो डॉपलर इफेक्ट. सर मतलब चैप्टर हो गया? बस एक टॉपिक ये है, डॉपलर इफेक्ट खत्म है बस. फिर सर ये ट्रेन में देखते हैं ना? हाँ अभी देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज मैंने आपको बताया था इस पूरे चैप्टर में अगर पूछा जाएगा ना कुछ तो दो चीजें पूछी जाती हैं. एक तो डॉपलर इफेक्ट पूछ लेते हैं, इसकी डेरिवेशन पूछ लेंगे, या सेकंड क्या पूछेंगे, न्यूटन्स और लैपलास का जो मैंने आपको बताया था. एक ना एक इसमें पक्का आएगा, पक्का ही आता है वो. तो दोनों ढंग से कर लेना. डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक साइंटिस्ट था डॉपलर, उसने ये निकाला था. क्या होता है बता देता हूं, एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए, ढंग से समझना इस चीज को, अगर ये समझ में आ गया डॉपलर इफेक्ट समझ में आ जाएगा आपको. मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है और एक प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो और यहां पे ट्रेन आ रही है. देखो ऐसे ट्रेन के ड्राइवर ने यहां पे हॉर्न बजाया. ऐसे हॉर्न भी मान लो 4 बार बजाया, ठीक है. 4 बार हॉर्न बजाने का मतलब क्या होता है? 4 हर्ट्ज. 1 सेकंड में 4 बार बजा रहा है, ऐसे बजाते हुए आता है ना वो. यस सर. आपने देखा होगा जब प्लेटफॉर्म के पास रेलगाड़ी आती है तो हॉर्न बजाती हुई जाती है. क्यों बजाती हुई जाती है? ताकि आसपास कोई अगर खड़ा है, मान लो ट्रैक पे खड़ा है, तो वो बाहर निकल जाए, तो वो साउंड वेव ऐसे बजाते हुए आता है. तो मान लो उसने 1 सेकंड में 4 बार जो है आवाज निकाली है, हॉर्न बजाया. तो ये हॉर्न जो है ये ट्रेवल करती हुई जाएगी. रेलगाड़ी पहले नहीं पहुंचेगी, ध्यान देना, हॉर्न पहले पहुंच जाएगा, ये आपको ध्यान देना है. तो जैसे ही आपके कानों में ये पड़ेगा तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपको 1 सेकंड में 4 हॉर्न ना सुनाई दे के 5 सुनाई दे, 6 सुनाई दे. समझ में आया? ऐसा कैसे हो सकता है सर? होता है ऐसा, चार ही आएंगे ना? ऐसा होता है, करके अभी करके दिखाऊंगा. अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा थोड़ी देर बाद दूर निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा.
फिर हॉर्न बजा रहा है, तो जैसे ही हॉर्न बजाएगा तो साउंड वेव पीछे की तरफ ट्रेवल होंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आगे पीछे दोनों जगह जाती हैं। तो ये तो 4 हर्ट्ज के साथ ही बजाते हुए जा रहा है, तो जब आपके कानों में पड़ेगा, क्योंकि अब ये आगे की तरफ जा रहा है, मतलब आपसे दूर जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको 4 ना सुनाई दे, 3 सुनाई दे, 2 सुनाई दे, या ऐसा भी हो सकता है सुनाई ना दे। आया समझ में? सर रीजन बताता हूं, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। एक और एग्जांपल बता दूं, बताऊंगा क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों होता है, मैं बताऊंगा अभी, अभी क्लियर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सोर्स, ठीक है। सोर्स मतलब जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और ये है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो साउंड वेव सुन रहा है। तो होता क्या है, ऑब्जर्वर के कान में जो वेव्स जाती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का चेंज होना ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। आया कुछ समझ में? नो सर, एक बार वापस फिर बताता हूं क्या है डॉपलर इफेक्ट। इट इज द चेंज इन द frequency of sound heard by the observer due to the relative motion between source and observer। आया समझ में? जो ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई देगी उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। क्यों आता है? क्योंकि सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन है। अब ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा सोचना, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो आपको शायद नहीं आया होगा समझ में कि सर प्रैक्टिकली ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं आपको और अच्छी तरीके से बताता हूँ सर। सेकंड वाले केस तो होता है ऐसा? हाँ होता है। देखो मैं करके बताता हूँ, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। अब ये भी रेलगाड़ी गाड़ी का ही है तो ढंग से समझना, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आप बता पाओगे ऐसा क्यों हो रहा है। कितने डब्बे हैं इस रेलगाड़ी के? 10। 10 डब्बे हैं। आप इमेजिन करो ये रेलगाड़ी है और ये क्या है इसकी बोगियां। हर एक बोगी की लेंथ है 10 मीटर। आ रहा है समझ में? ये रेलगाड़ी कितने से ट्रेवल कर रही है? 40 मीटर पर सेकंड। और ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, ध्यान देना आपकी मुंडी आगे की तरफ है, मुंडी नहीं घुमा सकते आप, और आप रेस्ट पे खड़े हो। ढंग से समझना इस चीज को। कौन मुझे बताएगा कि इस आदमी को या आपको यहां से इस सेक्शन से 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ बोगीज पास होते हुए दिखेंगे? फोर। बहुत बढ़िया, 4। कैसे पता करा? सर 1 सेकंड में ये गाड़ी कितना चल जाती है? 40 किलोमीटर, 40 मीटर। और हर एक बोगी की लेंथ कितनी है? 10 मीटर। तो इतना सेक्शन पास हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तो साफ साफ पता चल रहा है। तो जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ध्यान देना ऑब्जर्वर कौन है? आप। ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। जब रेस्ट पे है
तो चार बोगीज दिखाई देंगी, चार बोगीज पास होती हुई दिखेंगी यहां से, ध्यान देना। नाउ अब क्या हुआ कि ये जो आदमी है इसने मूव करना स्टार्ट किया, तो अब ये मूव कहां से कर सकता है? ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है, ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ऑब्जर्वर स्टार्ट्स मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, कौन बताएगा आप नंबर ऑफ बोगीज कितनी पास होती दिखेंगी? अच्छा मुंडी हिला नहीं रहे, वो मुंडी बिल्कुल स्ट्रेट है। सिक्स है सर, सिक्स और सिक्स बोगी दिखेंगे। एक सेकंड, अब थोड़ा सोच के बताओ ऐसा क्यों हुआ? कौन मुझे इसका आंसर बताएगा ऐसा क्यों है? कैसे निकाला आपने सर? रिलेटिव मोशन। बहुत बढ़िया, रिलेटिव मोशन से निकाला। तो मैं आपको दो तरीके बताता हूं कि कैसे निकाल सकते हो। एक तो रिलेटिव मोशन से निकालूंगा और एक तरीका मेरा है। तो अब इमेजिन करो चार तो इसे दिखाई देंगी पास होती हुई, कितनी तो दिखेगी? यस। थोड़ा सोचना ये कितने से भाग रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। अब इमेजिन करो अगर ये 20 मीटर पर सेकंड के साथ भाग रहा है तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस भाग जाएगा इधर? 20 मीटर। तो 20 मीटर में कितनी बोगीज आ जाएंगी? 2 बोगी। तो कैसे निकालोगे? 20/10। एक सेकंड में जितने से भाग रहा है, जितना भाग रहा राइट में भाग रहा है ना? हाँ राइट में भाग रहा है। तो एक सेकंड में 20 मीटर भाग रहा है, तो 20 को क्या करो एक बोगी की डिस्टेंस से डिवाइड कर दो और ऐड कर देना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ज्यादा दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिखाई नहीं। तो कितना आ गया? 6। एक तो ये तरीका है। ये सर हम पहले रिलेटिव वेलोसिटी करके भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं तो आप क्या करोगे, अपने आप को रेस्ट में लेके आओगे। जैसे ये ट्रेन है, ये भाग रही है 40 से और आप भाग रहे हो 20 से, तो आपको अगर अपने आप को रेस्ट में लेके आना है तो क्या करोगे आप? अपने में कितना ऐड करोगे? 20 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में, और उतना ही आप क्या करोगे ट्रेन में भी ऐड कर दोगे। तो आप आगे रेस्ट पे, तो आपके रिस्पेक्ट में कितने से मूव करती हुई दिखेगी? 60 मीटर पर सेकेंड। तो 60 को क्या करना, 10 से डिवाइड कर देना, ऐसे भी आ जाएगा। तो दो तरीके मैंने बता दिए सर। मतलब जिस डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन से भाग रहे क्या सर? हाँ अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन, इफ ऑब्जर्वर कहाँ भाग रहे हैं? इंसान कहाँ भाग रहे हैं? ओ पर्सन, इंसान मत बोलो अब, इससे ऑब्जर्वर बोलो, ठीक है ना? ऑब्जर्वर किधर भाग रहा है? ऐसे, ये देखो यहाँ लिखा है ना, आया समझ में? अरे आया क्या समझ में? यस सर, यस सर। नाउ इफ ऑब्जर्वर मूव्स विद 20 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन एस ट्रेन, दो ही दिखेगी बताओ सर? टू सर, अभी दो ही दिखेगी। अब दो दिखेंगी, क्यों? चार तो दिखने दिख ही रही थी जब रेस्ट पे था, क्योंकि अब वो सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, तो अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एक सेकंड में कितना भाग जाता है? 20। तो 20 मीटर में कितनी बोगी आएंगी? दो। ये तरीका समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये है, ये 40 से भाग रहा है, ट्रेन 40 से भाग रही है, आप 20 से भाग रहे हो, तो आप अपने आप को कैसे रेस्ट में लेके आओगे? 20 अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करोगे, तो यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा, तो आप तो रेस्ट पे आ गए। आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन कितने से भाग रही है? 20 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में 20 मीटर भाग जाएगी, तो दो बोगी आ जाएंगी। 20 को क्या करोगे आप? 10 से डिवाइड करोगे। तो दो तरीके बता दिए मैंने आपको।
तो अब समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है सर? यस सर। सर यस सर, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे तो फिर उनका ऐड होना चाहिए। नहीं बेटा, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज रिलेटिव वेलोसिटीज सबट्रैक्ट होके निकलती है। सर एक फॉर्मूले के हिसाब से करो ना, रिलेटिव। तो रिलेटिव सही तो की ना, देखो रिलेटिव सही तो की। अगर आप भी 20 से भाग रहे हो और ट्रेन 40 से जा रही है तो आपके रिस्पेक्ट में कितने से भाग रही होगी ये ट्रेन? 20 से। ये देखो करके दिखाया ना, आया समझ में? तो आपके रिस्पेक्ट में अगर yes, अरे sir. देखो बहुत सिंपल है यार, अगर आप भी 40 से भागोगे तो क्या होगा सर? दोनों सर ऐसा लगेगा दोनों रेस्ट। तो आपके रिस्पेक्ट में तो ट्रेन रेस्ट पे आ गई, तो आपको कोई भी बोगी पास होती हुई दिखेगी नहीं? नो सर। आया समझ में? अरे आया क्या? पर रिलेटिव में तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। यस सर। नहीं बेटा ध्यान दो, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो चीज ट्रेवल कर रही होती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करके निकलती है। जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी सबट्रैक्ट करके निकलती है दोनों की। सर इसलिए जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में पास होते हैं रियल लाइफ में, इसलिए इसलिए क्या होता है, दूसरी ट्रेन ज्यादा तेजी के साथ ट्रेवल करती हुई दिखती है जब अपोजिट डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में आ रही है तो कम स्पीड से दिखती है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं सोचना है कि भाई सर अपोजिट डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट होती है, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है। ऐड हो जाता है ना। हाँ तो फ्रीक्वेंसी में चेंज क्यों आ रहा है? अब थोड़ा सोचना, ध्यान देना, इसको हटा दो, अब इन बोगीज को हटा दो, वेव बना दो ऐसे। तो हर बोगी को आप हटा दो और उसकी जगह साउंड वेव बना दो, एक ऐसे वेव बना देना ऐसे। और ये जो 40 मीटर पर सेकंड है ये क्या है, इसको मान लेना वेलोसिटी ऑफ साउंड। और ये 20 मीटर पर सेकंड किसकी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब देखो इसी चीज से समझना, अब पहला केस ले रहा हूं, इफ बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर एट रेस्ट, दोनों अगर रेस्ट पे हैं, ये है सोर्स ऑब्जर्वर, ये साउंड सोर्स है, ध्यान देना। अब क्या कर रहा है ये जो सोर्स है, ये म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के साथ, ध्यान देना, म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के साथ वेव्स निकाल रहा है ऐसे। हर एक वेव की वेवलेंथ क्या है? लैम्डा नॉट। इस म्यू नॉट को कई बार ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, एंड लैम्डा नॉट को ओरिजिनल वेवलेंथ। ये भागेगी, इस आदमी के कानों में घुसेगी, ये साउंड वेव कितने से भाग रही है? वी से। वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब थोड़ा ध्यान देना, कौन मुझे बताएगा v, म्यू नॉट और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन होगा? क्या यही होगा? यस सर। तो अब थोड़ा सोच के बताओ, क्योंकि सोर्स भी रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, तो ये बिल्कुल ऐसा केस नहीं हो गया कि भैया रेलगाड़ी आ रही थी ऐसे, ये रेस्ट पे है और
रेलगाड़ी की बोगी को ऐसे समझो कि एक एक वेव है ऐसे। तो अब इमेजिन करो कि अगर यहां से एक सेकंड में 10 वेव निकल रही हैं, तो इसके कानों में एक सेकंड में कितनी वेव घुसेंगी, क्योंकि ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। 10 वेव्स, 10 ही वेव घुसेंगी। आया समझ में? यस सर। क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं, ध्यान देना। तो जितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड यहां से निकलेगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की साउंड यहां पे उसके कानों में पड़ेगी। तो यहां पे अगर मैं ऐसे बोलूं, न्यू एपरेंट, इसे बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट का मतलब सुनने वाली, जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, वो किसके इक्वल होगी, बताएगा कोई? म्यू नॉट के ही इक्वल होगी। पर सर, जब ट्रेन बोगी मींस प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती है और वो जाने के लिए रेडी होती है, तो हॉर्न देती है ना सर? हाँ। तो जरूरी नहीं ना वो हॉर्न उच्च फ्रीक्वेंसी से ही सुना। हाँ, तो अब ये बहुत अच्छी बात बताई कि सर, ये बताओ कि अगर ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और यहाँ प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे एक मैं खड़ा हूँ और ट्रेन रेस्ट पे है, तो अगर ये एक सेकंड में 4 हॉर्न बजाता है, यानी कि 4 वेव्स निकल रही हैं ऐसे और ये आपके कानों में घुस रही हैं, तो क्योंकि सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, तो अगर ये एक सेकंड में 4 वेव्स निकालेगा, तो आपके कानों में 4 ही वेव्स जाएंगी एक सेकंड में। आया समझ में? सर, पर वेव तो मूव कर रही है ना? वेव मूव कर रही है, वेव तो मूव करती है, बिल्कुल मूव करती है। ये बिल्कुल वैसा केस नहीं है, देखो वेव मूव कर रही है। वेव यहाँ पे क्या है? बोगीज। तो वो तो मूव करेगी, डेफिनेटली मूव करेगी। आप मुझे बताओ आपके कानों में कितनी पड़ेगी? सर 10 हर्ट्ज। बेटा ज्यादा नहीं पड़ेंगे। अरे भाई देखो, सीधी सी बात है, ज्यादा तब पड़ती है जब दोनों में से एक मूव करना स्टार्ट करे, या तो ये करे या ये करे। सर पर वेव मूव कर रही है। हाँ, वेव मूव कर रही है, वेव में कुछ नहीं है, सोर्स मूव कर रहा है क्या, या आप मूव कर रहे हो? ना सर। तो आप मूव नहीं कर रहे ना, तो सोर्स मूव कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखो ना, यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी कब बढ़ती थी, जब आप मूव कर रहे हो। सर घटती कब थी? सर पर रियल लाइफ में ये तो होता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता, आप थोड़ा ना ऑब्जर्व कर, आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जो मेजर कर पाए। अब इमेजिन करो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी मीटर है, आपके पास भी है और इसके पास भी है, तो जैसे ये साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, आप इससे टेलीफोन पे बात करो, इससे पूछो कि भाई तू साउंड वेव जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो झट से बताएगा 4 हर्ट्ज। और आपके पास जब ये पहुंचेगी, ये आपसे पूछेगा तू बता कितनी है, तो तू भी बोलेगा 4 हर्ट्ज, कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि आप ना तो सोर्स ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, ना ऑब्जर्वर सोर्स के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एक सेकेंड में 4 वेव निकलेंगी, तो इसके कानों में भी 4 वेव ही घुसने वाली है। आया समझ में? सर आया। पर यस सर। अरे यार, एक आदमी है और उसके हाथ में गन है, ये भी रेस्ट है। अब ये थोड़ा सा बेकार एग्जांपल, लेकिन समझ लो इसी, दोनों रेस्ट पे हैं। मान लो इसने एक सेकंड में 4 गोलियां निकाली, एक सेकंड में, आप भी रेस्ट पे हो, ये भी रेस्ट पे है, तो एक सेकंड में अगर 4 गोलियां निकालेगा, तो इस आदमी की बॉडी में एक सेकंड में 5 गोलियां थोड़ा घुस जाएंगी। नहीं आया समझ में? यस सर, समझ गया।
अरे भाई ये अगर एक सेकंड में चार गोलियां निकाल रहा है एक सेकंड में, तो इस क्योंकि ये रेस्ट पे है तो एक सेकंड में चार गोलियां ही घुसेंगी इसके में। लेकिन अगर ये भागना स्टार्ट कर दे और गोलियां चलाए जा रहा है फोर ब्लड्स निकाल रहा है एक सेकंड में, लेकिन आपने क्या किया, आपने भागना स्टार्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में एक सेकंड में पांच गोलियां घुस जाए। नहीं आया अभी समझ पर, मेरा एक क्वेश्चन है। यस बोलो सर। यहाँ पे दो आदमी बना, हाँ, एक लेफ्ट में और एक राइट में। यस यस सर, सपोज ये इनके बीच में एक ट्रेन है। हाँ इनके बीच में एक ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म पे है दोनों। हाँ ये प्लेटफॉर्म पे है। चलो ये ट्रेन हो गई, ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। सर यहाँ पे ये राइट साइड वाले पे इंजन है आगे। हाँ ये इंजन हो गया। चलो सर, पर जब ये हॉर्न देगी जाने के टाइम, मतलब हाँ, रेस्ट और हॉर्न दे रही है सर, हाँ, पर जो हॉर्न वो देगी सर, तो जो आगे उसको ज्यादा सुनाई देगा, मैं जो ओरिजिनल होगी, और जो पीछे होगा उससे तो नहीं सुनाई देगी ना। लेकिन ध्यान देना, ये तभी होगा जब ये मूव करेगी। ध्यान देना, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मूव अभी मूव करी नहीं है रेस्ट पे और ये हॉर्न दिए जा रहे हैं, तो ये 4 हर्ट्ज एक सेकंड में अगर चार साउंड देगा तो इसको भी चार सुनाई देंगी, इसको भी चार सुनाई देगी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये तो मूव कर गई, जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट होगा, इसका मूवमेंट जैसे स्टार्ट होगा तो इसे अलग सुनाई देगी, इसे अलग सुनाई देगी, इसे पांच सुनाई दे सकती है, इसे तीन सुनाई दे सकती है, मूवमेंट जब स्टार्ट होगा। अब खड़ी हुई है, बजाई जा रही हॉर्न, ये भी मूव नहीं कर रहा, ये भी मूव नहीं कर रहा, तो अगर एक सेकंड में चार हॉर्न बजा रहा है तो इसे भी चार सुनाई देगा, इसे भी चार सुनाई देगा। हाँ सर, पर ऐसा थोड़ी ना होता है रियल लाइफ में। अरे आपने देखा थोड़ा ना जाके। हाँ पर सर, ट्रेन में तो हम चढ़े ना। अरे तो ट्रेन में चढ़ते हो तो आप मुझे बताओ, सामने से अगर ट्रेन आ रही है तो आप ट्रेन के ड्राइवर से थोड़ा ना पूछते हो, सामने वाली ट्रेन के ड्राइवर से, ये भाई तू कितना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सुनते हो क्या? आप यहाँ बैठे हो नो सर, और यहाँ ड्राइवर है, ये साउंड बजाया जा रहा है चार हर्ट्ज। आप भी तो इसी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन से भाग रही है 40 से, आप भी भाग रहे हो 40 से, तो आपके रिस्पेक्ट में मतलब आपकी वेलोसिटी, अगर ड्राइवर को देखोगे, यहाँ पे ड्राइवर के पास साउंड सोर्स रखा हुआ है, तो आपके रिस्पेक्ट में साउंड सोर्स मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप भी 40 से मूव कर रहे हो और साउंड सोर्स भी 40 से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इस केस में जब बजाएगा ये 4 हर्ट्ज से बजाएगा तो आपको 4 हर्ट्ज ही सुनाई देंगे। लेकिन अगर ये आदमी कहाँ पहुंच गया, प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए, तो फिर बात अलग हो जाएगी। आया समझ में? यस सर। नहीं आया अभी भी? आए सर। आप अगर ट्रेन में बैठ के बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन में जो बैठा हुआ आदमी है वो तो सोर्स के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो 4 हर्ट्ज है तो 4 हर्ट्ज ही सुनाई देगी उसे। बाहर वाले आदमी की बात कर रहा हूं मैं, अंदर वाले की बात नहीं कर रहा था, ठीक है? अब ये कौन सा केस है, जब व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर एट रेस्ट। सेकेंड, If observer starts moving, in या ऐसे सोचो towards source, अगर source की तरफ भागना start करे observer,
कितनी वेलोसिटी के साथ? वी नॉट। और क्योंकि ये रेस्ट पे है, सोर्स रेस्ट पे है, अब देखो सोर्स के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर कहां भाग रहा है? इसके पास आ रहा है, ये अब बजाए जा रहा है म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के साथ, ये हॉर्न बजा रहा है और जो साउंड वेव है उसकी वेव लेंथ है लैम्डा, लैम्डा नॉट। ये साउंड वेव भागेगी कितने स्पीड से? वी स्पीड से। अब बताओ क्या हो रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी या कम? सर ज्यादा। हाँ तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा आएगी, कितनी आएगी? देखो म्यू नॉट तो आएगी, उतनी तो आने ही वाली है, इसमें कुछ वेव्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि ये इस तरह भाग रहा है। कितनी वेव एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी? तो जरा मुझे बताओ, अगर ये वी नॉट से भाग रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से भाग रहा है ऑब्जर्वर, तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा? कौन बताएगा? वी नॉट। वी नॉट, क्योंकि वी नॉट मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड में वी नॉट मीटर डिस्टेंस मूव करेगा। तो जो एक्स्ट्रा वेव दिखेंगी वो कितनी होंगी? v नॉट बाय, कैसे निकालते थे, जैसे यहां पे कैसे निकाला था, एक सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तो मैं 20 को किससे डिवाइड करता था? वेवलेंथ से। वेवलेंथ से, बोगी की लेंथ से, यानी बोगी यहां पे क्या है? वेवलेंथ, ठीक है ना। तो क्या होगा? v नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट क्या था? वी बाय मी नॉट। तो ये उठा के अगर आप यहां पे डाल देते हो, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? वी नॉट कॉमन आ गया, 1 प्लस वी नॉट बाय वी, यू विल गेट दिस। कौन बताएगा क्या हो रहा है? एपरेंट फ्रीक्वेंसी वी नॉट से कैसी है? ये देखो, ये जो क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी, ये 1 से ज्यादा है। देखो V में क्या एड हो रहा है? V नॉट। तो ये क्वांटिटी V से ज्यादा होगी, यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। यस सर। आया समझ में? यस सर। और आप एक और तरीके से कर सकते हो, आप बोलोगे कि सर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, तो मैं आप ऐसे भी कर सकते हो। कौन बताएगा? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऐसे भाग रहा है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी या वेव की वेलोसिटी कितनी होगी? सर वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। हाँ, तो v प्लस v नॉट, और हर वेव की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट उठा के यहां डाल दो, ये लैम्डा जो है उठा के यहां डाल दो। इसको उठा के यहां डाल दो, यहां पे उठा के डाल देना। आ गया। तो एक चीज आपको ध्यान से समझनी है, इसमें वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा होता है। ये मैं लिख देता हूं, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स
source, there will be no change in wavelength. Wavelength में कोई change नहीं आएगा, wavelength उतनी ही रहेगी. Change किस में आ रहा है? Velocity of wave. हाँ, change आता है frequency में. There will be change in the frequency of sound. And second, there will be change in the velocity of sound heard by the observer. फिर ध्यान देना, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर किस चीज में क्या चेंज आ रहा है. वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेवलेंथ उतनी ही है. वेवलेंथ में कब चेंज आएगा मैं आगे बताऊंगा कब आता है. तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसमें चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में जो उसे सुनाई दे रही है. ध्यान देना, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेलोसिटी ऑफ साउंड में चेंज आता है. आया समझ में? यस सर. अब थोड़ा और सोचो, अगर मैं ये बोलूं टुवर्ड सोर्स, ये पहला केस था टुवर्ड सोर्स, और मैं यहीं पे लिख दूं अवे फ्रॉम द सोर्स, पूरा सेम रहेगा बस माइनस साइन आएगा, बस माइनस आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगा देता हूं. और यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देता हूं, इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स पॉजिटिव साइन विल बी टेकन एंड व्हेन ऑब्जर्वर is moving away from source, negative sign will be taken. तो दोनों केस एक ही में इंक्लूड हो गए. और ध्यान देना, ध्यान से ध्यान देना, apparent frequency में देखो आप ऐसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना, बहुत बड़ी ये बहुत अच्छी टेक्निक रहती है. v not mu not लिख देना, देखो थोड़ा सा है, एक टॉपिक और बचा है फिर मैं छोड़ ही दूंगा वैसे भी, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा, वरना क्या लटका रहेगा. थोड़ा सा है और है, एक बस और टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, फिर मैं छोड़ ही दूंगा. सर यस, एक बार ये फॉर्मूला वापस बता देना, ये वाला. हाँ सर. तो देखो ऐसे याद रख लो, आपके रिस्पेक्ट में जब आप भाग रहे हो उस तरफ, ऐसे भाग रहे हो v नॉट वेलोसिटी से, क्योंकि आप साउंड वेव की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. कितनी हो जाएगी आपके रिस्पेक्ट में, v प्लस v नॉट. तो ये साउंड की वेलोसिटी होगी आपके रिस्पेक्ट में, और क्योंकि वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वेवलेंथ से डिवाइड कर दोगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. हाँ, apparent frequency आ जाएगी जो आपको सुनाई देगी. Now, apparent wavelength, ये जो wavelength है, ये किसके equal होगी? V by mu naught, क्योंकि change नहीं आ रहा, तो आप ऐसे भी नहीं निकाल सकते. ये उठा के डाल देना, यहाँ पे हो गया. तो मैं ये बता रहा था कि इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रखोगे, mu naught ऐसे रख देना, V velocity of sound ऊपर नीचे लिख लो. अब नीचे कुछ नहीं करना है आपको, आप बस क्या करोगे, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भाग रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, प्लस वी नॉट कर दोगे ऊपर, नीचे कुछ नहीं करना है आपको, और दूर भाग रहा है तो माइनस वी नॉट कर दोगे. इस तरीके से फॉर्मूला आप बना सकते हो.
बट अगर डेरिवेशन पूछा जाएगा यू हैव टू डू दिस थिंग। सर यहाँ पे हम डिवाइड क्यों करते हैं? क्या ये? हाँ सर, ये डिवाइड क्यों करते हैं लैम्डा नॉट से? क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, इसलिए वेवलेंथ से डिवाइड करना पड़ता है। नहीं आया समझ में? सर एक बार डेरिवेटिव पार्ट समझाना, डेरिवेशन वाला। देखो फिर समझ लो, मैं यही बता रहा हूँ, ये वाला केस देखो ना, इसलिए तो ये वाला केस बताया था, ये वाला केस इसलिए मैंने दो समझाए थे। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? ओरिजिनल। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? ये एक्स्ट्रा वेव क्यों आ रही है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर किस तरह भाग रहा है? अगर यहां कोई सोर्स रखा होगा, देयर इज अ सोर्स, ऐसे सोच लो कि ये टर्मिनस है, ऐसे सोचो ये टर्मिनस है जहां पे रेल खड़ी होती है, तो ये सोर्स मान लो और ट्रेन इससे यहां से निकल रही है, तो अब खुद सोचो कि एक सेकंड में कितना भाग रहा है ये आदमी, कितना भाग रहा है? 20 मीटर। तो 20 मीटर में कितनी एक्स्ट्रा वेव्स आ जाएंगी? 20/10, तो ये 2 हो गया, 2+4 दैट इज 6। सेम चीज मैंने यहां पे की है, म्यू नॉट तो फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी, ऑब्वियस सी बात है, इतनी तो कान में पड़ेगी उसके, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी तो सुनाई देगी, एक्स्ट्रा कितनी आएगी? तो ये क्योंकि वी नॉट फ्रीक्वेंसी से भाग रहा है, यानी कि एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी से भाग लेगा, सॉरी कितनी वेलोसिटी, कितनी एक सेकंड में कितना डिस्टेंस भाग लेगा? वी नॉट इस तरफ एक सेकंड में, तो इस वी नॉट डिस्टेंस में कितनी एक्स्ट्रा वेव आएंगी? तो वी नॉट बाय लैम्डा नॉट। तो ये लैम्डा उठा के यहां डाल देना, ये जो लैम्डा है ये उठा के यहां डाल देना, लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? वी बाय म्यू नॉट, म्यू नॉट कॉमन आ गया, ये भी लिख दोगे मोर देन इनफ है, ये सॉल्व करने के बाद। अरे नाउ ये लास्ट केस है, इफ सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट पे ध्यान देना, और ये ऑब्जर्वर सर हमने किया है ना माइनस, नहीं अब सोर्स मूव कर रहा है ध्यान देना, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो ये दूसरा केस हो गया, उसमें सोर्स रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अगर सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो क्या होगा? ध्यान देना, अब ये जो है म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के साथ वेव्स निकालते जा रहा है, देखो ऐसे, लेकिन एक प्रॉब्लम अब यहां पे होती है, कौन मुझे बताएगा इसको एक वेव जनरेट करने में, सोर्स को एक वेव जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा? अगर ये एक सेकंड में, ऐसे लिख रहा हूं, इन वन सेकंड टोटल नंबर ऑफ वेव ओरिजिनेट कितनी कर रहा है, तो वो क्या है? म्यू नॉट। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो ये बताओ कि टाइम रिक्वायर्ड टू जनरेट
वन वेव कितना आएगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर एक सेकंड में 10 वेव जनरेट कर रहा है, सॉरी हाँ एक सेकंड में 10 वेव जनरेट कर रहा है, तो एक वेव जनरेट करने में कितना टाइम लगाएगा? 1/10 seconds. 1/10 seconds. तो अब जरा मुझे बताओ, अगर एक सेकंड में म्यू नॉट वेव जनरेट की सोर्स ने, तो एक वेव जनरेट करने में कितना टाइम लेगा? 1/μ0. हाँ, तो अब हुआ क्या कि अगर ये रेस्ट पे होता, इफ इट इज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट पे होता तो वेवलेंथ कितनी थी? लैम्डा नॉट. यस सर. लेकिन हुआ क्या, ये वेव बनती, कब बनती बताओ, बताएगा कोई कब बनेगी? जब ये रेस्ट पे होगा. रेस्ट पे है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये कितने से भाग रहा है? सर वीएस से. ये दिख रहा है ना वीएस, वीएस यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स. तो ये वीएस से भाग रहा है, तो जब तक ये वेव जनरेट करेगा, पूरी वेव जनरेट करेगा, ये यहां नहीं होगा, ये यहां पे होगा. कितना डिस्टेंस मूव कर चुका होगा बताएगा कोई? अगर एक वेव को जनरेट करने में उसे इतना टाइम लग रहा है और ये वीएस से भाग रहा है, तो कौन बताएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड? By the source, कितना होगा? Sir, velocity of source particle into time. Time. Taken to generate one wave. Generate one wave. ये थोड़ा ढंग से समझना. So this will be Vs into 1/μ0. ये इतना डिस्टेंस मूव कर चुका है, तो जो वेव होगी वो ये नहीं बनेगी, ध्यान देना, वेव ऐसी बनेगी. देखो आया समझ में? अरे समझ में आया? यस सर. यस सर. ये है लैम्डा नॉट, ये होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तब होता, इतनी वेवलेंथ तब आती जब ये रेस्ट पे होता, क्योंकि जब ये वेव जनरेट कर रहा था तब तक ये यहां पे खुद नहीं, ये आगे पहुंच गया, तो जो वेवलेंथ है, कौन सी वेवलेंथ? एपरेंट वेवलेंथ. एपरेंट वेवलेंथ मतलब जो ये वेव, ये जो वेव है जो सोर्स के ऑब्जर्वर के कानों में घुसेगी, उसकी वेवलेंथ वो थोड़ी सी क्या हो चुकी होगी? छोटी हो चुकी होगी. कितनी होगी? ओरिजिनल वेवलेंथ में से क्या माइनस करोगे? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोर्स, ट्रेवल के सोर्स पार्टिकल में. सो क्या आंसर आया? लैम्डा अपरेंट क्या आएगा बताएगा कोई? क्या होगा? लैम्डा नॉट माइनस वी एस बाय म्यू नॉट. आया समझ में? यस सर. अब ये वेव जा रही है, ये छोटी वेव है, ऐसे भाग रही है, छोटी वेव है, ध्यान देना, कितने से भागेगी? वी से ही भागेगी. आया समझ में? वेलोसिटी ऑफ साउंड से ही भागेगी, जितनी इसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये मीडियम तय करेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड कौन तय करता है? मीडियम तय करता है, मीडियम को आपने चेंज नहीं किया, तो ये वी से भाग रही है, इसके कानों में घुसी, तो इससे फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी? इसके कानों में कितनी वेलोसिटी से
ये साउंड वेव कितनी वेलोसिटी से गिरेंगी? वी से, क्योंकि ये खुद नहीं मूव कर रहा है। अगर ये खुद मूव कर रहा होता तो फिर कितने से गिरती? वी माइनस वी नॉट या वी प्लस वी नॉट, बट ये खुद मूव नहीं कर रहा, इट इज एट रेस्ट। सर सोर्स पार्टिकल की ऐड नहीं होगी वेलोसिटी? नहीं नहीं, ध्यान देना, सोर्स पार्टिकल की वेलोसिटी का इफेक्ट क्या आएगा? वेवलेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। वेवलेंथ छोटी हो गई है, वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड कौन डिटरमाइन करता है? मीडियम। मीडियम चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, मीडियम तो वही है, एयर है। तो एयर की आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ना तो प्रेशर चेंज किया, ना वॉल्यूम चेंज, कुछ नहीं चेंज किया। ओके सर। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? कितने से गिरी, कितनी वेलोसिटी से? वी से। और उसकी वेवलेंथ कितनी है? इतनी, थोड़ी सी छोटी हो चुकी है, उठा के डाल दो, वी लैम्डा नॉट वी एस बाय वी नॉट। सर बस हो गए आज के लिए, बस ये हो गया, खत्म खत्म है, बस खत्म है। इसको सॉल्व कर लूं, वी नॉट वी लैम्डा नॉट वी नॉट माइनस वी एस। ये एलसीएम लेके मैं ऊपर ले गया हूं। सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आई? म्यू नॉट वी, व्हाट इज दिस, ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ साउंड। कौन बताएगा क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ये क्वांटिटी क्या है? वी माइनस वी एस क्या होगी? वी से कम होगी, यानी ये क्वांटिटी क्या होगी? वन से ज्यादा कि वन से कम? वन से कम होगी सर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ वन से ज्यादा होगी, ये ज्यादा है ना, वी 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 माइनस वी एस से ज्यादा है, यानी ये क्वांटिटी वन से ज्यादा होगी। बड़ी होगी ऊपर, हाँ, यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओरिजिनल से ज्यादा होगी। कुछ आया समझ में? यस सर। सर तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ध्यान देना, जब सोर्स सोर्स ऑब्जर्वर के पास पहुंचता है, मतलब उसकी तरफ दौड़ रहा होता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसलिए जब ट्रेन क्यों होती है? है बेटा कम क्यों होती है? वेवलेंथ इसलिए कम हो रही है क्योंकि, यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, वेवलेंथ क्यों कम हो रही है? वेवलेंथ इसलिए कम हो रही है क्योंकि जब तक ये एक वेव जनरेट करता उतने टाइम में, कुछ तो टाइम लगेगा ना, कितना टाइम लगेगा? वन बाय म्यू नॉट, इतना टाइम लगेगा एक वेव को जनरेट करने में, उतने टाइम में ये कुछ डिस्टेंस आगे मूव कर जाता है, ऐसे आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो बननी चाहिए थी ये वेव लैम्डा नॉट की, बनती ये है। आया समझ में? यस सर। अब इमेजिन करो, अगर मैं इसी में लिख दूं मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दूसरा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। हर जगह पे आया समझ में? यस सर। अगर दूर भागेगा सोर्स जो है, अगर दूर भाग रहा है तो होगा क्या? मैं एक बता देता हूं यहां पे, बस ये हो गया, खत्म हो गया। फिर बननी चाहिए थी ये, लेकिन अगर दूर भागेगा वीएस से, वीएस वेलोसिटी से,
तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ जो है बढ़ जाती है, ऐसे बन जाती है, ये वेव बनेगी सर। तो इस केस में लैम्डा अपरेंट जो आएगा वो कितना आता है, लैम्डा नॉट प्लस ई एस बाय म्यू नॉट। यस, तो अब जरा मुझे बताओ किस किस चीज में चेंज आ रहा है, वेवलेंथ में क्या आता है चेंज आता है, वेवलेंथ इज चेंजिंग, और किस में चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है इस केस में, और तीसरा वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड में इसमें चेंज नहीं आता, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज कॉन्स्टेंट, डज नॉट चेंज। ध्यान से समझना इस चीज को, वेवलेंथ में चेंज आता है, वेवलेंथ में चेंज होने के कारण फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज नहीं होती है। इसमें क्या होता था, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में चेंज आता था। क्यों चेंज आता था, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर चेंज हो रही है। बनाओगे कैसे ये फॉर्मूला, बनाने का तरीका देखो, वही तरीका देखना, म्यू नॉट वी, ऊपर नीचे वी लिख दो, अगर पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, तो नीचे वी एस माइनस कर देना, और दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, प्लस कर देना। अब आप बोलोगे कि सर व्हाट हैपन अगर दोनों मूव कर रहे हैं, तो देखो मैं ये डिराइव नहीं करवा रहा हूं, ये डिराइव है भी नहीं, ठीक है ना, कौन मुझे बताएगा इस केस में क्या होगा, फॉर्मूला बना के बताओ बस, और कुछ नहीं है। सर वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। नहीं देखो देखो देखो, बनाओगे कैसे, बनाने का तरीका, फॉर्मूला बना रहा हूं बस, और कुछ नहीं है, ये डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन सिर्फ आपके सिलेबस में यही दो थी, ठीक है। यहां देखो कैसे बनाओगे, यहां से वेव जनरेट की, ऐसे कैसे बनाओगे, देखो म्यू अपरेंट लिख लेना, ऊपर नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड लिख लो। अब बताओ सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहे हैं, सॉरी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भाग रहा है, क्या होगा, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यस सर। क्या साइन लोगे, प्लस प्लस वी नॉट, और सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है, सोर्स भी तो भाग रहा है ना ऑब्जर्वर की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी। तो जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ भागता था तो क्या करता था, मैं माइनस साइन लेता था नीचे, देखो अरे आया समझ में। यस सर। यहां लिख देता हूं, इफ सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, क्या लोगे, नेगेटिव साइन, एंड फिफ्थ इफ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, कौन सा साइन लोगे, पॉजिटिव साइन। ये दोनों कौन बताएगा इस फॉर्म, ये फॉर्मूले बना के दिखाया जरा जल्दी जल्दी कोई, ये लास्ट है बस, फिर छोड़ दूंगा, खत्म हो गया फिर, बस बताएगा कोई, बनाओ फॉर्मूला। यस, नीचे आ जाएगा, कहां भाग रहा है ये ऑब्जर्वर, दूर भाग रहा है ना, क्या लूं ऊपर, माइनस माइनस वी नॉट, और प्लस ये पास भाग रहा है, प्लस वी एस, नहीं माइनस वी एस, देखो 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 ढंग से, आया समझ में। यस सर।
और क्या केस हो सकता है, ये हो सकता है देखो, बताओ इसमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को? V नॉट इनटू U नॉट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी V बाय V, ये पास आ रहा है यानी कि प्लस V नॉट ऐड करोगे और ये इससे दूर जा रहा है, प्लस V नॉट Vs, प्लस Vs ऐड कर देंगे, ये बन गया। और एक लास्ट केस है, एक लास्ट केस कौन सा होगा बताएगा कोई? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे v नॉट इनटू म्यू नॉट, नॉट v नॉट, म्यू नॉट, म्यू नॉट ओरिजिनल म्यू नॉट इनटू, ये दूर भाग रहा है माइनस वी नॉट और ये दूर भाग रहा है प्लस वी नॉट प्लस वीएस, वीएस तो ये बन गई फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से ये सारी फ्रीक्वेंसी जो है आप निकाल सकते हो। अब मैं एक चीज और बता देता हूं लास्ट, कि जब दोनों पास आ रहे होते हैं ये देखो इसमें क्या होगा, पास आ रहे हैं ना तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी ओरिजिनल से ज्यादा आएगी, हमेशा। आया समझ में? यस सर। और अगर दोनों दूर जा रहे हैं तो हमेशा अपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से कम ही आएगी, दूर भाग रहे ना। इस केस में कौन बताएगा क्या होगा इसमें और इसमें, कौन बताएगा सर? ऊपर वाले केस में वंस कम है सर अपेरेंट से। नहीं, ज्यादा भी आ सकती है कम भी आ सकती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी आ सकती कम भी आ सकती है। ज्यादा कब आएगी कौन बताएगा? जब वी एस बड़ा होगा, बड़ा होगा, बहुत बढ़िया, तब बढ़ेगी। और अगर कम हो गया Vs, अगर V नॉट से छोटा हुआ, देखो अगर Vs Vs V नॉट से ज्यादा हुआ तो ये पास आएंगे, तो जो इसे फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को थोड़ी सी ज्यादा होगी। और अगर ये ज्यादा तेजी के साथ भाग रहा है कंपेयर टू दिस, V नॉट अगर Vs से ज्यादा है तो ये दोनों दूर जाएंगे, तो उस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो कम होगी। इस केस में बताओ क्या होगा? बड़ी कब आएगी बताओ? अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी ऑब्जर्वर को वो ओरिजिनल से कब ज्यादा होगी सर? जब वी नॉट की वेलोसिटी, हाँ वी एस स्मॉलर होगा, वी नॉट वी एस जो है लेसर देन वी नॉट होगी। एंड कम कब होगी? जब Vs बड़ा होगा, Vs बड़ा होगा, बस खत्म है। अब आप न्यूमेरिकल जो है वो मैं देख लूंगा बाद में, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए हो। कल जब क्लास होगी तब देख लेंगे सर। कल क्लास है फिजिक्स की, अब मोस्ट प्रॉब्ली मैं रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगा, जैसे मुझे बोला है रिवीजन स्टार्ट करवाने को, तो मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। वो कल मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी मोहित सर से बात नहीं की है, बट अभी आपका ये टारगेट है कि आप ये आज, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसे आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम हो गया, लेकिन अगर कल टाइम मिलता है आपको प्लीज डू इट सर। हाँ सर, मैं बोल रहा था आप वाड़ी में आ सकते हो क्या रिवीजन क्लासेस के लिए? प्रॉब्लम ये है कि मैं वाड़ी में हूँ नहीं अभी, मैं हूँ दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं जो हूँ आऊंगा मार्च में, तो
मार्च में जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं जो हूँ फिर रेगुलरली ऑफलाइन क्लासेस लिया करूंगा, लेकिन अभी क्या है मैं दिल्ली में हूँ, वो कोविड का केस चल रहा था इसलिए मैं दिल्ली में चले गया था। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप ऑनलाइन मुझसे समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑनलाइन लूंगा और जो सर हैं क्या बोलते हैं अनुपम सर हैं वो आपकी ऑफलाइन क्लास लेंगे। जो भी डाउट है अगर आपको मुझसे समझनी है, अगर आपको ऑफलाइन ही समझनी है तो अनुपम सर के पास जा सकते हैं, ऑनलाइन समझनी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सर आप वर्क पावर एनर्जी कॉलोना रिवीजन लूंगा, मैं सब लूंगा, क्योंकि क्या बोलते हैं अगर ये होगी क्या बोलते हैं रिवीजन क्लास होगी तो सब लिया जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है आपके, मेरे ख्याल से पेपर जो है फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे ना फेब में। यस सर, फर्स्ट या सेकंड वीक में होंगे, तो अभी टाइम है हमारे पास, 2 वीक का टाइम है, तो वी कैन वी विल फिनिश इट एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू, गुड नाइट। सर आज की पीडीएफ भेज दो। हाँ मैं भेज देता हूँ, एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस। बाय सर, गुड नाइट। ओके।